हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिनॉल फॉर्मेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। इसकी विधियों के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और इन रिएक्शंस को व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शंस के रूप में भी जानकारी करेंगे। सो फर्स्ट रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन से टू यू एक्सप्लेन द लैब मेथड ऑफ फिनॉल विथ देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, अर्थात फिनॉल निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके गुणधर्म व उपयोग बताइए। तो प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहला आपका मेथड होगा लैब मेथड एंड सेकेंड नॉमिनेशन है इसका फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अर्थात बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा। तो फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और HCl के मीडियम में हीट देते हैं जिससे डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है, डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट प्राप्त होता है। तो मेन रिएक्शन आपका यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि लैब फॉर्मेशन के लिए डाइजोनियम साल्ट आपका मेन रिएक्टेंट होगा। तो जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में वाटर द्वारा हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में फिनॉल प्राप्त होता है। इसे एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर कराते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में माउथ पार्ट पर थिसिल फनल लगाते हैं और फ्लास्क में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, मुख पर संयोजक नली लगाते हैं, इसका संबंध संघनित्र और ग्राही पात्र से करते हुए उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। अब थिसिल फनल द्वारा डाइल्यूट H2SO4 यानी विथ वाटर डाइल्यूशन कर लेते हैं H2SO4 का और इतना गिराते हैं कि इस थिसिल कीप का निचला सिरा इस अम्ली मिश्रण में डूब जाए और इस फ्लास्क को बालू स्मग पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, हीट देते हैं जिससे हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर रिएक्शन फिनॉल बनता है जो संयोजक नली से होता हुआ गैसीय माध्यम में जाता है संघनित्र में, कंडेंसर में, लिविंग कंडेंसर में, जहां एक साइड से कोल्ड वाटर इन करते हैं और दूसरी साइड से उसका हॉट वाटर आउट करते हैं। यहां फिनॉल को कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है और इस प्रकार ड्रॉप बाई ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में फिनॉल रिसेप्टर में कलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ सेकेंड मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। जब बेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो ओलियम की प्रेजेंस में 853 केल्विन टेम्परेचर पर सल्फोनिफिकेशन द्वारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। जब कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो मध्यावयी यौगिक प्राप्त होता है। इसे कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में नियर अबाउट 6223 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं जिससे Na2SO3 और वाटर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेक्ट हो जाता है और सोडियम फेनोक्साइड प्राप्त होता है। इट इज इन द मेन मिड प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन रिएक्शन, यानी सोडियम फेनोक्साइड मुख्य रूप से यहां पर हमें इस रिएक्शन में प्राप्त होता है। देन सोडियम फेनोक्साइड की क्रिया डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो सोडियम मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बनकर के सबस्ट्रेक्ट हो जाता है और इस प्रकार हाइड्रोजन O से एडिट होकर के OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और फिनॉल का निर्माण होता है। इस प्रकार बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा फिनॉल प्राप्त होता है। नाउ थर्ड मेथड फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैल्सिलिक एसिड। यहां हम लोग सैल्सिलिक एसिड के लिए सोडियम सैल्सिलेट को लेंगे। जब सोडियम सैल्सिलेट की क्रिया ड्राई लाइम की प्रेजेंस में
कास्टिक सोडा से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट विथ वाटर सबस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ हीट करते हैं तो दोनों रिएक्ट करके यहां से NaCl को आउट करते हैं और OH के जुड़ जाने से हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। फोर्थ मेथड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, की क्रिया ड्राई इथर की प्रेजेंस में, शुष्क इथर की उपस्थिति में ऑक्सीजन से कराते हैं तो फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है जिसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो हाइड्रोलिसिस से फिनॉल देता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड को पृथक करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग फिनॉल के औद्योगिक निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पेपर पे, अगर लैब मेथड पूछे तो आपको प्रयोगशाला निर्माण विधि का इक्वेशन देना है, समीकरण देना है और वही मेथड एक्सप्लेन करना है। और अगर इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन पूछे तो अब जो मेथड्स मैं करा रहा हूं इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। अगर विद नेम पूछे तो जिस नेम से पूछा जाएगा वही आंसर करिए। फर्स्ट टाइप डाउज प्रोसेस बाय डाउ प्रोसेस, अर्थात डाउ प्रक्रम द्वारा फिनॉल का निर्माण। इसे क्लोरोबेंजीन से भी बनाते हैं, अर्थात इसी क्वेश्चन को आपको पूछेंगे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण कैसे करेंगे, तो आप ये इंडस्ट्रियल मेथड का इक्वेशन ही यहां एक्सप्लेन करेंगे। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया लगभग 6-8% कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से नियर अबाउट 300 एटीएम प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का सबस्ट्रक्शन होता है और यहां से सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोरीन को सबस्ट्रक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड को पृथक करता है जिसके फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। नाउ लास्ट फॉर्मेशन मेथड बाय क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रक्रम द्वारा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगा। इस फॉर्मेशन मेथड्स को हम थ्री पार्ट्स में आपको क्लियर करते हैं, अर्थात इस पूरे इक्वेशन को हम थ्री पार्ट में ब्रेक करते हैं और एक एक स्टेप के रिएक्शंस को आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्यूमीन बनाना दिखाते हैं कि कैसे बेंजीन से क्यूमीन का फॉर्मेशन करेंगे। जब बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराते हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड है, हाँ थ्री कार्बन से 1, 2, 3, थ्री के लिए प्रोप एंड डबल बॉन्ड का सफिक्स लगाएंगे इन, तो प्रोपीन। अर्थात जब बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एट 523 केल्विन टेम्परेचर और जब इसको हीट देते हैं तो यहां से सिमेट्रिकल प्रोपीन इसकी बेंजीन की नॉर्मल पोजिशन पर एडिट होता है और बना हुआ कंपाउंड क्यूमीन कहलाता है। अर्थात बेंजीन से क्यूमीन का उत्पादन पहले चरण में होता है। नाउ इन सेकेंड स्टेप जब क्यूमीन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो इसकी नॉर्मल सिमेट्री का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहां ऑक्सीजन पेस्ट करेगा, पोजिशन ले लेगा तो बनाएगा OOH और सबस्टेंस यहां से सबस्ट्रेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बना कंपाउंड होगा उसका नॉमिनेशन करेंगे क्यूमीन हाइड्रोक्सी परऑक्साइड, अर्थात क्यूमीन से ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्यूमीन हाइपोपरऑक्साइड का निर्माण करता। तो अब थर्ड स्टेप में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं इसकी तो फिनॉल देता है और ये सबस्टेंस यहां से एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 तो है यहां से
और इतना ग्रुप CO बन जाता है, जबकि OH ब्रेक होकर के इसके नॉर्मल पोजीशन पर एडिट हो जाता है। तो OH के फेनिल समूह से लगने पर फिनॉल प्राप्त होता है और एसीटोन यहां सबस्ट्रक्टरी प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के इस क्लास में फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ा। इसमें से आपको दो सेगमेंट में क्वेश्चन क्लियर किए मैंने। पहला पार्ट होगा जो लैब मेथड बेसिस होगा, उसका क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि फिनॉल निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस बताइए। तो प्रॉपर्टीज और यूजेस का हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, और अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन मेथड्स को पढ़ा, जबकि जो अदर रिएक्शंस थे वो अन्य निर्माण विधियों के रूप में पूछे जाएंगे, जो व्हाट हैपन व्हेन भी होंगे। जबकि लास्ट किया हम लोगों ने इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन से, तो जो औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं ये दोनों ही विधियां अलग अलग नामों से पूछी जाती हैं, डाउ प्रोसेस या क्यूमीन प्रोसेस द्वारा। मोस्टली क्यूमीन प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी फॉर्मेशन मेथड्स के रिएक्शंस का आप प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जामिनेशन में आपके लिए ये सारे रिएक्शंस इजी हो जाएं और आप करेक्ट आंसर इनका कर पाएंगे।